तिरंगी मंसूबा बंदी की तरबियत हासिल की होना मश्क और मशहूर जमाना सिपा सालारों की, मगर जब मैदान जंग में सलाहियतों की जरूरत पड़ी, जब जंगी महारत आजमाने का वक्त आया तो वो अपने भाइयों का मुकाबला न कर पाए। पैदल पेशकश का मुंह देखा उसने, और आज शाहजहां आबाद के कैद खाने में अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा है। हाँ, अगर कोई इसका वफादार साबित हुआ तो वो हमारा ख्वाजा सरा बसंत भी था। ये गलत है इतबार, दौरा को शिकस्त उसके कम हौसले या कम तर सलाहियत की वजह से नहीं हुई, उसे नाकामी उसके सिपा सालारों और मुशीरों की गद्दारी और बेवफाई की वजह से हुई। उसके दुश्मन भाई उससे ज्यादा चालाक थे, धोखेबाज थे, उससे ज्यादा फरेबी, उससे ज्यादा झूठे। अगर कोई हुक्मरान या सिपा सालार वफादारों और दगाबाजों में तमीज नहीं कर सकता और बार बार उनके धोखे में आ जाता है तो ये उसी की गलती है। जहां पर बहुत हद तक इन नाकामियों के जिम्मेदार हम भी हैं इतबार, हमने उसे हिदायत कर रखी थी कि अपने भाइयों की जान लेने से एतराज करे, बल्कि उन्हें मुकम्मल शिकस्त से भी दो चार न करे। मगर ऐसा भला क्यों किया आपने? इसलिए कि हम एक बाप भी थे इतबार, हम एक बाप भी थे, हम अपनी औलाद की जान नहीं लेना चाहते थे। हमें आखिरी वक्त तक उम्मीद थी कि औरंगजेब शुजा और मुराद वापस लौट आएंगे हमारे महल, और हमारे चारों बेटे मिलकर सल्तनत की वसत और तकवीयत का वायस बनेंगे। देवराय की जंग में जब शुजा ने पसपाई अख्तियार की तो दारा ने उसका ताकुब करना चाहा, मगर हमने उसे